रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स। आज जब सिक्का उछला, सिक्का चेपॉक में बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। कई बार तो लगता है कि मैच से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। टॉस जीत के बल्लेबाजी का फैसला किया विराट कोहली, सबसे ज्यादा रन्स। साथ में देवदत्त पाड़ीकल 123 के स्ट्राइक रेट के साथ इन्होंने बनाए हैं 484 रन। कुछ ऐसे आप मारने का प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन संपर्क उतना अच्छा था नहीं और जबरदस्त ये कैच है। ये वीवो परफेक्ट कैच ऑफ द मैच है, अनबिलीवेबल। राहुल त्रिपाठी बड़ा शॉट मारने का कर रहे थे प्रयास, वरुण चक्रवर्ती के चक्रव्यूह में फंस गए विराट कोहली। जो बेहतरीन कैच यहाँ पर, 5 बार आउट हुए विराट, 6 पर एक आरसीबी। युवा खिलाड़ी हैं रजत पाटीदार, बेहतरीन स्ट्राइक रेट। एक और सफलता रजत पाटीदार, पहले आउट किया विराट कोहली को, उसी ओवर की आखिरी गेंद पर रजत पाटीदार को 2 सफलताएं। KKR 9 के स्कोर पर दूसरा विकेट दबा दिया है। ग्लेन मैक्सवेल 154 के स्ट्राइक रेट पे चल रहे हैं। शाकिब अल हसन, मेरा तो मन कह रहा था कि एक ओवर और करा लीजिए आप चक्रवर्ती से, कराया नहीं है। शाकिब अल हसन और पाले में गेंद थी, एन एकेडमी क्रैकिंग सिक्स, धीमी गति की गेंद और रूम बना के जड़ दिया चौका। फ्री हिट का पूरा लाभ उठाया, एन एकेडमी क्रैकिंग सिक्स। धीमे डालेंगे लेकिन हवा में गेंद घूमना तेजी से वो जरूरी है, वहां मौके बनेंगे। और सिंगल के साथ और शतक, ग्लेन मैक्सवेल शानदार बल्लेबाजी, बहुत सही समय पे और शतक 78 पे 2। ओवर कवर्स, वन बाउंस चौका। ये गेंद ऊपर गई है, ज्यादा दूर नहीं, नीचे फील्डर बाहर गए पाड़ीकल। प्रसिद्ध कृष्णा, ये भी तो है भारतीय क्रिकेट का फल। एक बार फिर राहुल त्रिपाठी कैच पकड़ रहे हैं आज। पाड़ीकल वापस जाते हुए 95 पर गिरा 3रा विकेट। रन अवे मैच विनर 4898 रन। 2 वाइड गेंदे, ये एक एक्स्ट्रा गेंद थी, उस पर मिला चौका, जले पर नमक। इस बार डाउन द ग्राउंड तेज, ये था शॉट, ये अद्भुत डिविलियर्स का शॉट था। और एक कमाल का शॉट, बहुत बढ़िया स्ट्रोक मिड विकेट के ऊपर से, बैक टू बैक चौके, एबी डिविलियर्स शो। ज्यादा दूर नहीं गई और बड़ी विकेट, हरभजन सिंह कोई गलती नहीं कर रहे, सही समय पे ब्रेक थ्रू आया पैट कमिंस द्वारा। कमाल की इनिंग मैक्सवेल की, 78 की 148 पर 4। और ये फुल टॉस गेंद यहां पर आंद्रे रसल की, 6 रन। ऑफ स्टंप के बाहर और ताकत वास्तव, एबी डिविलियर्स स्ट्राइक पर एंड ही स्ट्राइक्स एवरी सिंगल टाइम। एक और चौका, चौके से इस ओवर का आगाज, चौके से इस ओवर का अंजाम, इस पारी का अंजाम। 120 ही गेंदे होती है, 21 रन आए हैं आखिरी ओवर से, 205 का है लक्ष्य। नीतीश राणा 63वां मैच खेल रहे अपना। शॉट देखिए, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। ओ शुभमन, शुभमन इस बार ओवर पॉइंट, अरे वाह, अरे वीवो परफेक्ट कैच ऑफ द मैच। ये डैन क्रिश्चियन इस समय मैदान पर है सब्स्टिट्यूट के रूप में और एक बहुत महत्वपूर्ण कैच पकड़ लिया है। शुभमन के खाते में थे 21-23 पर एक KKR। राहुल त्रिपाठी पहली गेंद पर, राहुल त्रिपाठी
क्योंकि वॉशी आए हैं और वॉशी पहली बॉल पर गए हैं वन बाउंस चौके के लिए। वाह राहुल, ये नाम तो आपने सुना ही होगा। कदमों का इस्तेमाल किया है, लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी 30 यार्ड के दायरे के अंदर और लाभ उठाया नीतीश राणा। स्क्वेला के ऊपर से जड़िया चौका, कितनी दूर गई है, टाइम नहीं कर पाए और बढ़िया कैच वहां पे मोहम्मद सिराज, विकेट चटकाई यहां पे वॉशिंगटन सुंदर। महंगा ओवर जरूर था लेकिन पावर प्ले की आखिरी गेंद पे विकेट चटकाई। 51 पर 2 उन मॉर्गन आए, 126 का स्ट्राइक रेट है इनका और आज रन बनाने होंगे इनको कप्तान को। कैच, कैच इट की मांग है, दो चौके के बाद ये कितना जरूरी था शॉट लेकिन विकेट चटकाई जुगिंदर चहल ने। गेंद थोड़ी देर के लिए हवा में लटकाई और फंसे वहां पे। अच्छी शुरुआत के बावजूद 66 पर 3 दिनेश कार्तिक नए बल्लेबाज, 3800 के ऊपर रन और वहीं पे फंसे। मामला भी दिखाया कहां दिक्कत हो रही थी, किस लेंथ में दिक्कत हो रही थी, वहीं पे फंसे। बढ़िया गेंदबाजी युजवेंद्र चहल द्वारा, बहुत बड़ा विकेट आरसीबी के लिए, चौथा झटका केकेआर के लिए। रिवर्स स्वीप का प्रयास वहां जरूर था, कंट्रोल में नहीं था लेकिन फिर भी मिलेगा चौका। बेहतरीन शॉट यहां पर मॉर्गन का, 6 रन मिलेंगे। नहीं ये तो शॉट गेंद थी और ये बड़ा शॉट है, ये लंबा शॉट है। अब कोई बोलेगा जी अब तो उन्होंने कहा दिस इज माइन, कप्तान ने पकड़ लिया कप्तान का कैच। विल दिस बी द मैच। 29 पे आउट है मॉर्गन, वापस जाना होगा यहां पर शकीबुल हसन को। बेहतरीन गेंदबाजी और एक बढ़िया डॉट बॉल भी स्टेज पे। शकीब आउट हुए, 26 रन बना के 155 बचे। आखिरी गेंद और ये आखिरी दांव, एक बार फिर आरसीबी, ये जो आरसीबी का बीच का जो सी है वो कंसिस्टेंसी के लिए है। ऐसा 3 मैच 3 जीत, द ओनली अनडिफीटेड टीम, पहली बार हुआ है आरसीबी के इतिहास में, लगातार 3 मुकाबलों से जीत कर की है इस सीजन की शुरुआत।